गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम विकास चंद्र है और हम आपसे जुड़े हैं आशुतोष विद्या मंदिर स्कूल से। आपका हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है और आज हम यहाँ पर कर रहे हैं 9th क्लास मैथ का बहुपद चैप्टर से 2.3 एक्सरसाइज। 2.1, 2.2 हम कंप्लीट करा चुके हैं तो आज कर रहे हैं हम 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि आप इससे इसको भाग दो। भाग देने का तरीका हमारा कैसा है, x प्लस 1 से हमें भागा देना है। एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1। ठीक है, भाग देते 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 जो भी हमारा शेषफल आएगा, यहाँ पर जो भी शेषफल आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, पर हम अभी इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से नहीं करेंगे, बहुत टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, आपको वो भागफल नहीं पूछ रहा, आपको क्या पूछ रहा है, सिर्फ शेषफल पूछ रहा है। ठीक है, नहीं तो हम सिर्फ शेषफल निकालेंगे और शेषफल निकालने का हमारे पास एक आसान तरीका है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इस ये वाला मेथड आप बहुत यूज करते हो, पहले भी आप कर चुके हो, कुछ नया नहीं है आपके लिए। ठीक है, नहीं पर आपको शेषफल निकल जाएगा उस तरीके से। ठीक है, करना क्या आपको, इसमें जो भी ये हमें बहुपद मिला है उसको एक बार लिख दो, उसको पी एक्स के इक्वल मान दो, पी एक्स के बराबर मान दो। तो मैंने मान दिया, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1, ये हमारा। ठीक है, नहीं पी एक्स है। और जो भी x प्लस 1 आपको मिला है वो लिखो नीचे x प्लस 1, और इसके बराबर में खुद से एक जीरो लगा दो। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना। उसके बाद इस प्लस के 1 को उधर भेजो, तो हमने भेज दिया, तो प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1, आपको पता है चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, नहीं तो इतना हमने, ये चीज़ हम पहले भी करते आए हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पर इस बार उसने क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया शेषफल। इस बार इसी ये जो करेक्ट इस जब इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे ना, तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम शेषफल बोलेंगे। ठीक है, नहीं तो एक्स इक्वल टू माइनस 1, मैंने एक्स की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब एक्स बराबर माइनस 1 मुझे इस बहुपद में रखना है, तो रख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर पी माइनस 1, जैसे पहले कर रहे सेम ऐसी है। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हम माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ पर एक्स आता है, यहाँ पर माइनस 1 कर दे, यहाँ पर ही माइनस 1 करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जहाँ एक्स लिखा है तो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घात 3 है तो 3 घात लिखनी पड़ेगी अपने को, प्लस 3 एक्स की जगह में माइनस 1 कर दिया और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3 एक्स की जगह में माइनस 1 कर दिया और प्लस 1, कुछ इस तरीके से हो गए। ठीक है, नहीं अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कई बार कि अगर घात में अगर विषम संख्या है, घात में अगर विषम संख्या है तो -1 -1 ही रहेगा, और घात में अगर सम संख्या है तो -1 + 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर p-1 जो निकल के आया है वो है -1। इसको सॉल्व, एक को कितनी बार कितनी भी घात करो वो एक ही रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है पर ऊपर क्या है, पावर विषम संख्या, तो -1 में ही रहेगा। ठीक है, नहीं और प्लस ये 3 है तो 3 लिख दिया मैंने और इनटू, ठीक है, ये घात सम संख्या है तो -1 किस में मिल जाएगा, +1 में इनटू +1। ठीक है, नहीं उसके बाद यहाँ पर +3 है तो +3 कर दिया, और यहाँ पर तो चलो कुछ घात 1 है तो माइनस में रहेगा। ठीक है, घात 1 भी क्या होती है, विषम संख्या, तो माइनस में रहेगा, और ये माइनस प्लस क्या जाएगा, माइनस। ठीक है, तो मैं इसको माइनस कर दे रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, ये मैंने माइनस कर दिया और आगे इनटू 1 और प्लस 3, कुछ इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये है -1 और 3 × 1 3 हो गया, और 3 × 1 -3 और ये +3। ठीक है, ये +3 कैसे हो गया, यहाँ तो कुछ छूटा है यहाँ पर क्या, 3 3, ये +1 है ना यहाँ, यहाँ 1 है ये। ठीक है, ये मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, -1 का -1 हो गया और 3 × 1 3 × 1 और 1, हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1। ठीक है ना, तो -1 3 × 1 3 और ये -3 और ये +1 ऐसे तो। ठीक है, अब देखो समान अंक हैं और चिन्ह उनके विपरीत हैं तो वो जीरो हो जाते हैं, और जीरो को जैसे ये दोनों एक प्लस में है और एक माइनस में है और दोनों जगह सेम सेम है, तो ऐसा कट जाएगा। ये काटने का मतलब है कि जीरो हो गया है। ठीक है ना,
ऐसे ये प्लस वन और देखो प्लस ये माइनस वन और ये प्लस वन, ये भी कट के क्या जाएंगे जीरो, तो कुल मिला के क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। तो इसमें तो शेषफल कितना आ रहा हमारा जीरो। मतलब मैंने कहा था ना जो भी आप जैसे ये बहुपद आपको दिया हुआ है ठीक है, आप इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे जो भी सॉल्व करके आएगा, क्या आया सॉल्व करके जीरो आया, उसी को हम क्या बोलेंगे शेषफल बोलेंगे ठीक है। तो यहाँ पर जो शेषफल निकल के आया वो क्या आया, शेषफल निकल के आया यहाँ पर जीरो ठीक है नहीं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो पहले इसमें पहले पार्ट में तो शेषफल जो है वो क्या आया जीरो ही आया। इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या है, इसमें सेम चीज़ वही चीज़ करनी है हमें, पहले इसको पी एक्स के इक्वल मानना है ठीक है ना। ये जो बहुपद है इसको पी एक्स के बराबर मान दो, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ठीक है नहीं। और जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर देंगे हम, देखो पहले इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसके बराबर क्या मान देना है जीरो। वैसे तो आपको इतना दिया होगा ना, आप खुद से इसके बराबर क्या मानोगे जीरो मान दो ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करोगे आगे, तो ये माइनस का वन बाई टू जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का वन बाई टू, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस का वन बाई टू ठीक है। इस बार आपको एक्स की जगह क्या रखना है एक बट्टा दो रखना है प्लस में ठीक है नहीं। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ क्या कर देंगे प्लस का एक बट्टा दो, तो कर दे रहा हूँ देखो मैं। तो पी यहाँ पर भी एक्स माना है मैंने, तो एक बट्टा दो बराबर एक बट्टा दो की घात तीन प्लस थ्री, यहाँ पर भी एक बट्टा दो की घात दो प्लस थ्री इंटू एक्स की जगह रखना एक बट्टा दो, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ मैंने एक बट्टा दो कर दिया आप देख लो तो ठीक है नहीं। अच्छा यहाँ विषम संख्या थी, ये प्लस जो है यहाँ पर माइनस में, ये इसको मत कर देना, मैं तब कहता हूँ कि माइनस में आएगा जब अंदर पहले से क्या हो माइनस हो, जब प्लस में तब तो प्लस ही आएगा चाहे घात सम है चाहे विषम है ठीक है ना। कहीं माइंड में ये मत रख देना कि भाई यहाँ विषम बोला है तो माइनस करने करना है, वो तब करना है जब यहाँ माइनस हो, यहाँ तो प्लस है ना, चाहे सम हो चाहे विषम हो वो प्लस में आएगा, फिर वो बात तब कही आती है जब अंदर माइनस हो तब बोलते हम कि विषम संख्या है तो माइनस में आएगा और सम संख्या है तो प्लस में आएगा ठीक है ना। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी। तो अब देखो जो तीन है वो एक की भी घात तीन है और दो की भी तीन घात है ठीक है नहीं। मतलब इसको मैं अगर एक्सपेंड करके लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, देखो तीन घात है ना, तो मतलब एक को तीन बार गुणा करना है ऐसा है ठीक है ना। इस बार मैं लिख रहा हूँ, अगली बार नहीं लिखूँगा डायरेक्ट, अगली बार डायरेक्ट करूँगा। दो को क्या लिखना है दो गुणा दो, ये मतलब होता है घात तीन का मतलब, मतलब इसकी भी तीन घात करो इसकी भी तीन घात, मतलब इसको भी इससे इसी से तीन बार गुणा करो इसको भी इसी से तीन बार गुणा करो, तो वही लिखा मैंने प्लस ये थ्री लिखा मैंने। अब इसी दो घात है यानी कि हमें एक को दो बार गुणा करना है और दो को भी दो बार गुणा करना है ठीक है। और प्लस इनको तो गुणा करो तीन कम तीन बट्टा दो धन एक ऐसा। अब देखो क्या आएगा सॉल्व करके, एक को कितनी बार भी गुणा करो एक ही आता है, इसलिए हम कहते हैं कि कितनी भी घात हो एक ही, कितनी भी घात हो एक ही रहेगी, तो ये एक ही आएगा। और ये दो दुना चार, चार दुना आठ, तो ये आ जाएगा एक बटा आठ। अगला देखो एक एकम एक, एक तिया तीन, तो तीन बट्टा दो दुना चार, तो चार कर दिया। अब देखो यहाँ पर तीन बट्टा दो है उसको वैसे उतार दिया और आगे धन एक ठीक है नहीं। मतलब एक के नीचे क्या होता है एक, मैंने बताया ना। अब देखो ये सब के सब भिन्न के रूप में है, तो यहाँ लेना पड़ेगा अपने को एलसीएम ठीक है नहीं, यहाँ लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम हमें ऐसा अंक लेना है जो इन सभी के पहाड़े में आता हो, ऐसा समझो ठीक है नहीं। इन सभी के पहाड़े में क्या आता है, छोटा सा छोटा अंक होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं ठीक है नहीं, आठ होता है ठीक है नहीं। आठ एकम आठ, आठ के पहाड़े में भी आठ आता है, चार दूना आठ, चार के पहाड़े में आता है, दो चक्को आठ, दो के पहाड़े में आता है, इसके नीचे एक, एक के पहाड़े में भी आता है ठीक है ना। तो देखो पहले ऊपर वाले एक को उतार दो ऐसी, फिर गुणा लगाओ आठ एकम आठ, एक बार गया तो एक लिख दें आप प्लस, ऊपर वाले तीन को उतार दो, फिर चार का पहाड़ा चार दूना आठ, दो बार गया दो यहाँ लिख दो, ऊपर वाले तीन को उतार दो, दो चक्को आठ, चार बार गया तो चार लिख दें आप ठीक है। ऊपर वाले एक को उतार दो, एक अट्ठे आठ, आठ बार गया तो आठ लिख दें आपको। अब इसको सॉल्व करो, एक एकम एक, तीन दुना छः, तीन चको बारह, एक अट्ठे आठ डिवाइड बाय आठ। अब इन सबको जोड़ो, बारह आठ बीस, बीस छः छब्बीस, छब्बीस और एक सत्ताईस,
तो ये आएगा आपका 27/8। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, शेषफल। ये आया आपका शेषफल, शेषफल इसमें आया है 27/8, ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट हमें इसमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड में बोला है कि एक्स है बस, ठीक है। तो वैसे भी हम जो भी हमें मिलता है उसके बराबर जीरो करते हैं ना, तो हमने इसके बराबर क्या कर दिया, जीरो। अब यहाँ से यहाँ भेजने के लिए कुछ है नहीं अंक इसमें, ठीक है, कुछ नहीं है ना। जैसे पहले वन होता था उधर भेजते माइनस का वन कर देते हैं, ठीक है। इस बार ऐसा कुछ नहीं, तो इसको तो नहीं छोड़ दो, मतलब इस बार आपको एक्स की जगह में क्या रखना है, जीरो रखना है, ठीक है ना। तो उतार दो बहुपद फिर से, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x+1, ठीक है। ऊपर वाले को हमने नीचे उतार दिया। अब यहाँ पर जीरो है, इस बार क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो p जीरो हो जाएगा फिर, ठीक है। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ जीरो, x यहाँ पर भी, तो जीरो की घात 3, तो 3×0^2 देन 3×0+1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीरो की घात जीरो, जीरो ही होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, फिर जीरो तीन से गुणा होगा तो भी जीरो आएगा, ठीक है। और 3×0 जीरो आएगा और प्लस 1, तो कुल मिला के जीरो को तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर जो आएगा वो कुल मिला के 1 आएगा। तो जो शेषफल है यहाँ पर, शेषफल वो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। ये हमारा इसमें क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब करते हैं इसमें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है इसमें, इसमें इस बार दिया है एक्स प्लस पाई, इसे पाई बोलते हैं, ठीक है ना। पाई इसकी वैल्यू होती है 22/7 होती है, पर यहाँ रखनी नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये है एक्स की वैल्यू पाई, ठीक है ना। ओ एक्स प्लस पाई, तो आप पहले इसके बराबर क्या कर दो, जीरो। एक्स प्लस पाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस पाई को उधर भेजेंगे फिर, तो ये चिन्ह तो बदलोगे ना उसका, तो माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप जो भी बहुपद है उसको px के इक्वल मानो। मैंने ऊपर जो बहुपद दिया उसको px बराबर लिख दिया यहाँ पर, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x+1, ये है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या करना है, माइनस का पाई करना है, नहीं, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या करना है, माइनस का पाई, ठीक है ना। तो यहाँ x है तो यहाँ भी कर दिया माइनस का पाई, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस का पाई, और घात कितनी है 3, प्लस 3×x की जगह क्या रखना है, माइनस का पाई, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 3×−π और प्लस 1, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से हो गया इसमें। अब इसके बाद हमें इसमें, अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ यहाँ पर ध्यान देना आपको, यहाँ माइनस है, ऊपर विषम संख्या तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि ऊपर विषम संख्या है, और पाई की घात 3, तो पाई की घात ही करो 3, ऐसा कर दो उसको बस, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 है, प्लस 3 कर दिया हमने 3, और माइनस पाई का स्क्वायर है, अब ये सम संख्या है तो माइनस बदल जाएगा प्लस में, और स्क्वायर आप सिर्फ पाई के ऊपर लगा दो बस, ठीक है ना। पाई और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ऊपर ये हो जाएगा 3 और इंटू पाई, इन दोनों को साथ में लिख दूँ, ठीक है ना। और आगे प्लस 1, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना, इतना ही छोड़ देना इसको, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं करना, इतना ही छोड़ देना आपको। तो यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा आपका, शेषफल, शेषफल आपका यही है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हम इसका थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट है ना, ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसका फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी हमें इसके बराबर पहले क्या रखना है, जीरो रखना है, यानी कि 5 + 2x बराबर क्या रख दोगे, जीरो, ठीक है ना। जो अंक होगा उसे उस तरह भेजना, ठीक है ना। अंक चाहे इसके इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, तो पहले इस 5 को भेजोगे, जब ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो किसे मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, ठीक है। 2x = -5, पिछली बार यहाँ पर x अकेला होता था ना,
एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, इस बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई में दो भी है। तो अब इस दो को जब इधर भेजेंगे तो ये गुणा में जो होता है उसको कहाँ भेजना है, बट्टे में। तो एक्स बराबर कितना जाएगा, माइनस पाँच बटा दो, ठीक है नहीं। तो एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हमें इस एक्स की जगह में क्या रखना है, माइनस का पाँच बटा दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ के रखना है माइनस का पाँच बटा दो। तो एक बार पहले मैं बहुपद को उतार दे रहा हूँ, उसको x के बराबर मान दे रहा हूँ, ठीक है, x के बराबर। तो ये बहुपद हमारा जो है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस x का मान कितना है, माइनस पाँच बटा दो, मैं यहाँ पर भी रखूँगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है नहीं। तो रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये p क्या रखना है, माइनस पाँच बटा दो, तो ये मैंने माइनस पाँच बटा दो ऐसा रख दिया बराबर, ठीक है। यहाँ पर भी रखूँगा, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, ठीक। तो ये मैंने रख दिया माइनस पाँच बटा दो, और घात कितनी है इसकी, तीन, यहाँ पर तीन घात है ना, तो यहाँ पर भी करूँगा, ठीक है। एक्स को हटा क्या लिखा है, माइनस पाँच बटा दो, ठीक है। फिर प्लस लगाना है, ये लगा दिया प्लस, और इंटू थ्री, ये थ्री है, थ्री। अच्छा, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता ना, तो गुणा समझो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस पाँच बटा दो, तो माइनस पाँच बटा दो कर दिया मैंने। और ऊपर क्या लगा हुआ है इसका, स्क्वायर, तो स्क्वायर मैंने ये लगा दिया। उसके बाद प्लस थ्री एक्स, प्लस थ्री यानी थ्री इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है, माइनस पाँच बटा दो, तो फिर क्या रख दिया, माइनस का पाँच बटा दो, ठीक है। और प्लस वन, तो ये प्लस वन कुछ इस तरह से कर दिया ऐसा। अब देखो, आप डायरेक्टली कर सकते हो डायरेक्टली कर लो, और नहीं तो फिर से सॉल्व करना है इसको, तो कैसे करना है सॉल्व। देखो, घात अगर विषम संख्या है तो माइनस में आना, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस में आएगा। अब पाँच की घात तीन का मतलब क्या हो गया, मतलब ये तीन जो घात है इसकी भी है और दो की भी है। तो पाँच को पाँच से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है, पर तीन बार करना है, क्योंकि घात कितनी है, तीन है, ठीक है। मतलब अगर इसको देखे तरीके से लिखो तो ऐसे लिखना पड़ता है, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव ऐसे, और ऐसे इसी कैसे लिखना है, टू इंटू टू इंटू टू ऐसे, ठीक है। अब ये माइनस फाइव जो है ना, इसमें लिख ही लेता हूँ तुम्हारे लिए, मैं फिर पूरा इस तरीके से लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा इसमें माइनस पाँच गुणा माइनस पाँच गुणा माइनस पाँच, इसका मतलब ये है, ठीक है नहीं। और प्लस थ्री इंटू, इसका मतलब क्या है, देखो माइनस पाँच गुणा माइनस पाँच, और नीचे दो गुणा दो प्लस थ्री, इसको तो सिंपल कर दो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और तीन गुणा क्या है, पाँच, और बट्टे में दो, इसकी घात एक ही है ना, तो एक ही बार तो लिखेंगे उसको, इनकी दो थी तो दो बार लिख दिया, इसके तीन थी इसको तीन बार लिख दिया। तो अब ये निकल के कुछ इतना से आएगा, पाँच पंजे पच्चीस, फिर पच्चीस गुणा फिर पाँच से करना है, एक सौ पच्चीस आता है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने एक सौ पच्चीस, ठीक है ना। और ये दो दूना चार, फिर चार दूना आठ, ये आठ आएगा। अब माइनस 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 प्लस, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो कि घात विषम संख्या तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस थ्री इंटू पाँच पंजे पच्चीस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और दो दूना चार, फिर माइनस तीन पंजे पंद्रह, तीन पंजे पंद्रह बट्टा दो और धन एक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ऐसा करके हो जाएगा माइनस का 125 तो ठीक है बटा आठ, ठीक है नहीं। और प्लस 25 दिया 75, 75 बटा चार, माइनस 15 बटा, अच्छा ये माइनस क्यों, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, और ये अच्छा ये वाला है ना, तो हाँ ठीक है फिर, हाँ ठीक है 15 बटा दो और प्लस एक, ठीक है नहीं। अब मैं इस तरफ रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक काम कर दे रहा हूँ, मैं इसमें यहाँ रब कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें नज़र आ जाए। तो
इसको हम अब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, बिठाने पड़ेगा मुझे जगह बनाने के लिए इसमें, इसमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम इसमें आएगा कितना, इसमें मैंने कहा था एलसीएम ऐसा अंक लेना जो सबके पहाड़े में आए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, इन सब के पहाड़े में आता है आठ, आठ कर दिया मैंने, ठीक है। तो पहले इस वाले को आगे वाले को उतारते हैं, यहाँ पर पहले माइनस 125 है, इसे ऐसे उतार लो, माइनस का 125, फिर गुणा का चलेगा, फिर आठ के पहाड़े में आठ कौन से नंबर, आठ कम आठ एक बार, ठीक है। फिर प्लस ऊपर वाले 75 को उतार दिया ऐसा, फिर गुणा लगाएंगे, चार दूना आठ, दो बार गया दो यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस ऊपर वाले 15 को उतार देंगे, उतार लिया, फिर मल्टीप्लाई दो चक को आठ, चार बार तो चार लिख दिया यहाँ पे। फिर प्लस वन ऊपर वाले वन को उतारना तो उतार दिया, फिर एक अट्ठे आठ ऐसा करके, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर बराबर 125 गुणा एक से करेंगे तो 125 ही आएगा, प्लस 75 दूना कितना होता है, 5 दूना 10, दो दो से तो 14 और एक 15, माइनस 15 चौको 60 होता है, प्लस एक अट्ठे आठ होता है, तो बट्टा आठ। अब देखो तुम्हें करना क्या है इसमें, ये समान चिन्ह जोड़ दो, चाहे इसी को घटा लो, चलो इन दोनों को घटा लो, तो जीरो में से जीरो, जीरो में से 5 गया, या फिर एक काम करो इसमें माइनस माइनस वालों को जोड़ दो और प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, ये दोनों समान चिन्ह हैं जुड़ जाएंगे, तो 0 और 5, 5 6 और 2 8 और 1 1, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, बड़े वाले के चिन्ह, ठीक है। अब इन दोनों को ये प्लस प्लस वाले इनको जोड़ दो, प्लस ये हो जाएगा 158, 150 में जब 8 जोड़ोगे तो 158 आएगा, ठीक है। और बट्टे में कितना करना है, 8, और बराबर अब ये माइनस का प्लस का विपरीत चिन्ह तो घटेंगे, ठीक है नहीं। अब बड़ा कौन है इसमें, ये बड़ा है, तो 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया कितना होता है, 5 3 हम तो 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 7 में से 5 गया 2, और उसके बाद 1 1 तो हो गया बस ये ऐसा करके 8। और चिन्ह इन दोनों बड़ा कौन है, ये है, इसके आगे माइनस है, तो ये माइनस हमने इस तरह से ये लगा दिया। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया तुम्हारा। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद हम करेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर बनाएंगे इसमें, तो आप फिलहाल इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन।